महादेव बैटिंग ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर की दुबई से गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि 2022 में हमारी सरकार के दौरान इस मामले में कार्रवाई शुरू की गई और 5 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई तथा 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई थी। बैंक खाते जब्त किए गए, गैजेट से मोबाइल जब्त किए गए, नकदी भी जब्त की गई, सारी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया ईडी इसमें कूद गई और चूंकि ये छत्तीसगढ़ से संचालित नहीं हो रहा था, सब कुछ विदेश से हो रहा था, इसलिए हमने भारत सरकार को पत्र लिखा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें यहाँ लाया जाए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महादेव सट्टा ऐप को रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने इसे अभी तक नहीं रोका है, तो अब क्या राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे लोग प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि सवाल ये उठता है कि महादेव सट्टा बंद होगा या नहीं। उसको यूडब्ल्यू दिया, एसीबी दिया और उसके बाद फिर सरकार ने उसको सीबीआई को सौंप दिया और तब से कार्रवाई होना बंद हो गया। नहीं तो पुलिस, राज्य सरकार, राज्य पुलिस है, वो दूसरे प्रदेशों में भी जाके कुछ कुछ कार्रवाई तो कर रहे थे, आईबास कर रहे थे सरकार, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं रही थी और अब जाके सौरभ चंद्राकर को पकड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले महादेव सट्टा बंद होगा कि नहीं होगा, और बंद नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? सीधी सी बात है कि आरोप दूसरे पे लगाओ और खुद पैसा वसूली करो। केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं सबका। हाँ भाई, भारत सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वैसे भी भारत सरकार जितने भगोड़े हैं उसको तो एक पकड़ के ला नहीं पाई। उस समय भी एक को पकड़े थे और काउंसलेट जनरल है, वो उसको बयान लेके छोड़ दिए। चाहे तो उस समय गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसका मतलब ये है केवल ये लेन देन का बड़ा मामला लगता है। देखिए, ये मामला हमारे सरकार में इसके खिलाफ 2022 में इसकी कार्रवाई शुरू हुई और 5 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज हुए और 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट्स जब्त किए गए, मोबाइल जब्त किए गए और लैपटॉप जब्त किए गए, नगद राशि भी जब्त की गई। तो सारी कार्रवाई हो रही थी और जैसे चुनाव नजदीक आया ईडी उसमें कूद पड़ी। और ये चूंकि इसका संचालन कोई दुर्विलासित हो नहीं रहा था ना, छत्तीसगढ़ से हो रहा था, सब विदेश से हो रहा था, और इसलिए भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर कि उनको पकड़ के लाया जाए। और ठीक चुनाव के पहले, इसके पहले चल रहा था रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ केस। शुभम सोनी नाम का एक आदमी, अचानक उसका वीडियो आता है और अपने आप को उसका मालिक बताता है, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर उसके नौकर है। और सरकार बदल गई, दोनों डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी केवल सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी की सूचना है। वो कब लाया जाएगा, उसके अपनी प्रक्रिया है, कब तक होगा इसके पता नहीं। लेकिन दूसरा रवि उप्पल कहाँ है, तीसरा इनके मालिक जो शुभम सोनी है वो कहाँ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसे बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया है। तो सवाल ये उठता है कि पहले तो मुझ पर आरोप लगाते थे प्रोटेक्शन मनी लेते हैं, प्रोटेक्शन मनी लेने वाले मुख्यमंत्री एफआईआर और कार्रवाई करेगा, न केवल एफआईआर, 450 लोगों की गिरफ्तारी होना, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी चल रहा हो, लेकिन दूसरे राज्य में कहीं एफआईआर नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या प्रोटेक्शन मनी राज्य सरकार और भारत सरकार में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? इस बात का खुलासा होना चाहिए। या तो बंद करें, भारत सरकार बंद कर सकती है,